टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील दोस्ती के पास MMRDA द्वारा पुनर्वास के लिए जो इमारत बनाई गई है, करीब 24 मंजिला आई विंग इमारत में किराए पर लोगों को घर देने का मामला सामने आया है। बड़े पैमाने पर यहां पर इस इमारत में कुछ माफियाओं के जरिए इसमें हैवी डिपॉजिट किराए पर घर दिया गया है। हालांकि इस घोटाले की जानकारी जैसे ही मनपा अधिकारी महेश आहिर को लगी, उन्होंने तत्काल इस इमारत में कार्रवाई शुरू कर दी। इस घोटाले के जरिए जितने भी लोगों को MMRDA के इस इमारत में घर दिया गया था और इसे मनपा के अधिकारी महेश आहिर ने खाली करवा कर सील कर दिया। इस पूरे मामले में हमने जब मनपा अधिकारी महेश आहिर से फ़ोन पर जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई जारी है और डुप्लीकेट चाबी के जरिए घरों के दरवाजे को खोला गया था और इसकी भी जांच जारी है कि कौन लोग हैं जो इस खेल में शामिल हैं। हालांकि महेश आहिर ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में वो खुद फरियादी हैं और जल्द ही दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। जब हमने इस MMRDA के पुनर्वास के लिए जो इमारत बनाई गई है इसमें कितने घरों को डुप्लीकेट चाबियों के जरिए खोलकर हैवी डिपॉजिट किराए पर दिया गया था, इसकी जानकारी मांगी तो महेश आहिर ने बताया कि जल्द ही इस इमारत की पूरी डिटेल और दोषियों पर FIR दर्ज करने के बाद पूरी जानकारी वो उन्होंने देने की बात की है। बहरहाल जिस तरह से ये पूरा मामला अब सामने आया है, वहीं महेश आहिर ने ये जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।